नमस्कार दोस्तों, कंगना राणौत ने बीएमसी वाले मुद्दे को, जहां उनका ऑफिस डिस्ट्रॉय किया गया था, डिमोलिश किया गया था, उनका हाई कोर्ट में डिसीजन भी आ गया उस चीज़ का कि उतना उतना जुर्माना भरना पड़ेगा बीएमसी को, जितना नुकसान होगा उतना भरना पड़ेगा, और एक सर्वेयर को अपॉइंट किया गया ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये हो गई बात, लेकिन कंगना राणौत इससे खुश नहीं है, इससे सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने बीएमसी वाले मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट में लेके गया और मांग ये है कि पहले जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी वो सब ठीक है, लेकिन आगे से उन्हें एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कंगना राणौत को, ऐसे डिमोलिशन या ऐसे तोड़ फोड़ के लिए जो उन्होंने पहले करी है। पहली बात तो ये कि सितंबर में ये नोटिस आ चुका था कि 30 सितंबर तक कोविड के कारण कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं होगी, बीएमसी ये सब स्टेप्स नहीं उठा सकता कि कहीं तोड़ फोड़ कर दें आप जाके, या कुछ किसी का ऑफिस तोड़ दे, किसी का घर तोड़ दे, ये सारी स्टेप्स 30 सितंबर से पहले नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी हुआ। ये ऑलरेडी एक लॉ के अगेंस्ट ये काम हुआ, उसके बावजूद अब ये डिक्लेयर हो चुका है कि वो इलीगल था, जो भी डिमोलिशन था, कंगना सही थी और बीएमसी गलत, ये चीज़ भी प्रूव हो गई। अब कंगना ने ये चीज़ बोल दी है सुप्रीम कोर्ट में कि आगे से बीएमसी को अगर ऐसा कुछ रहा तो उन्हें प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अब ये बात हो गई, तो ऐसा है भैया कंगना राणौत का। कंगना राणौत जैसे कि हम सब देख रहे हैं, हर जगह अब बोल रही है, हर मुद्दे पे बोल रही है, क्या कहें इन्हें, पॉलिटिशियन कहें, एक्ट्रेस कहें, एक्ट्रेस तो है ही है। खैर, दूसरी बात जो है वो है उर्मिला मातोंडकर ने अब ज्वाइन कर लिया शिवसेना, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है कंगना राणौत के बारे में, वो भी हम बताएंगे आगे। खैर, आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।